और कभी लिटरेचर फेस्टिवल का विरोध तो कभी फिल्मों का विरोध, कभी आरक्षण की मांग तो कभी चुनाव जीतकर खुद को लोकतंत्र की मुख्य धारा से जोड़ने की बेचैनी। लोकतंत्र लोकेंद्र सिंह कालवी ने करना तो बहुत कुछ चाहा, लेकिन कामयाबी कम ही चीजों मिली। हाँ, इस दौरान कालवी ने लोकतंत्र के आल में लाठी तंत्र का नुस्खा जरूर सीख लिया। जनता कर्फ्यू लगाने जा रहे हैं हम, अगर फिल्म रिलीज हो रही है तो। मैं अब भी मानता हूं फिल्म रिलीज नहीं होगी, 25 आएगी जैसे ही चली जाएगी। इस शख्स को बहुत मान है जन समर्थन का, तभी तो जनता कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, स्वयंभू कर्णी सेना के महान चीफ। लेकिन आज जरा इनकी पब्लिक के बीच लोकप्रियता की परीक्षा भी हो जाए। करीब 15 साल पहले की बात है, लोकेंद्र सिंह कलवी ने बीजेपी के एक बागी नेता देवी सिंह भाटी के साथ मिलकर सामाजिक न्याय मंच बनाया। कालवी के मंच ने 2003 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा। कालवी के सारे सिपहसालार मैदान में वैसे ही ढेर हो गए जैसे इतिहास में दर्ज वीरों के आगे द्वैन दर्जे की फुसड्डी सेना मुंह की खाती है। एक अकेले देवी सिंह भाटी चुनाव जरूर जीत पाए, लेकिन बाद में वो भी बीजेपी में निकल लिए। कालवी की दाल नहीं गली, तब जनाब ने 2006 में राजपूत कर्णी सेना बनाई। वसुंधरा राजे से दो दो हाथ करते रहे, रैलियां की और बिरादरियों के लिए आरक्षण की मांग रखी। लेकिन कालवी राजपूत नेताओं में बिखराव के चलते फिर से सुपर फ्लॉप हो गए। तीसरा जोर कालवी ने 2008 में लगाया। विधानसभा चुनाव से एन पहले कालवी कांग्रेस की शरण में चले गए, इस आस में कि विधानसभा हो या फिर बाद में लोकसभा, टिकट तो मिल ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार तक नहीं बनाया। कालवी के हसीन सपने टूटने लगे, लेकिन कर्णी सेना को जिंदा रखा। साल 2014 में चौथी बार जोर लगाया। लोकसभा चुनाव से एन पहले कालवी बीएसपी के साथ हो लिए। बाड़मेर जैसलमेर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से पिट गए। जबकि कभी इस सीट से उनके पिता कल्याण सिंह कालवी सांसद चुने गए थे। रही बात कालवी के कर्णी सेना की उपद्रवी डीएनए की, तो इस जमात ने 2008 में भी आशुतोष गवारीकर की फिल्म जोधा अकबर के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद किया था। तब विरोध के चलते जोधा अकबर फिल्म राजस्थान में रिलीज नहीं हो पाई थी। अपनी पहचान बनाने के लिए अक्सर छटपटाहट में बिकने वाले कालवी ने कर्णी सेना तो बनाई थी राजपूत बिरादरी के लिए आरक्षण की मांग को लेकर, लेकिन बाद में उसने संगठन के 11 उद्देश्य तय कर लिए और इन 11 उद्देश्यों में इतिहास से छेड़छाड़ का विरोध भी है। और इसी महान कार्य में इन दिनों कालवी और उनके गुर के लगे हैं। टीम न्यूज़ ऑल इंडिया।